उत्थे संजय सूरी मौजूद सी जो इंडियन एक्सप्रैस का जो पत्रकार है उन्हें आप देखा कि मेरे सामने कमलनाथ सी उन्होंने उत्थे कतलेआम किया इहनूं सी कि मेरी मां मर गई तो असीं सिखां तों बदला लैणा तो उत्थे 10,000 सिखां दा कतलेआम करवाया अज्ज 39 साल हो गए ने राजा मलिंग माफ़ी मंगे सिख कौम तो माफ़ी मंगे अकाल तख्त साहब तों आके कि मैं बज्जर गुनाह किया मैं बज्जर गलती की है सिखां नाल गदारी ना करो कौम दे नाल तुहाडा नाम गदारा ही लिखा जाएगा। पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग दे वल्लों हाल ही दे विच 84 कतलेआम मामले दे विच कमलनाथ नूं क्लीन चिट दे दित्ती गई ओ बयान इन्ना ज़्यादा वायरल होया कि अज पंजाब दे विच राजा वड़िंग दे खिलाफ़ एक वड्डा रोस प्रदर्शन लुधियाणा दे विच हो रहा है। लुधियाणा दे विच 84 कतलेआम दे जिहड़ियां पीड़ित परिवार ने उन्हां दे वल्लों अज राजा वड़िंग दा पुतला फूकिया जाणा है ते एक रोस मार्च जिहड़ा ओह कढ़िया जा रहा है। 84 कतलेआम वैलफेयर सोसायटी दे प्रधान सुरजीत सिंह जी इस समय मेरे नाल ने। सुरजीत सिंह जी सब तो पहला तां क्योंकि राजा वड़िंग ने बयान जरूर दिता पर उस तो बाद कल उन्हों का एक स्पष्टीकरण भी आया कि कमलनाथ के खिलाफ कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हैगी जे कोई डॉक्यूमेंटेशन होंगी तो उन्होंने खिलाफ FIR हुई होनी सी इस करके मैं कमलनाथ के हक च बयान दिता है। जिहड़ी ते गल कर रहा राजा वड़िंग उन्हें शर्म आनी चाहिए पढ़िया लिखा बंदा है कि नहीं कि अनपढ़ बंदा MLA है 3 बार MLA रहा जदों 1984 के रकाबगंज साहब के उपर हमला होया है उत्थे दा मैनेजर नूं वड्या गया उहदे गल वे टायर पा के साड़े गए उत्थे एक सेवादार सी दोवां दा उत्थे कतलेआम होया उत्थे संजय सूरी मौजूद सी जिहड़ा इंडियन एक्सप्रैस का जिहड़ा पत्रकार है उन्हें आप देखिया उन्हें उहदी गवाही भी दित्ती उन्हें थाने विच जाके कि मेरे सामने कमलनाथ सी उहदे नाल 250-300 जिहड़े सन कांग्रेसी वर्कर सन उन्हां दे उन्होंने उत्थे कतलेआम किया उत्थे कमलनाथ मौजूद सी उहदी FIR नहीं हुई FIR वास्ते उहदी SIT इनकुआरी भी कर रही है 14 कमीशन बनाए ने भारत सरकार ने लेकिन अजे क्योंकि बहुता समय जो राज रहा कांग्रेस का तो कांग्रेस जड़े कांग्रेसी ने वो अपने वर्करा बचाने में लगे रहे एक कांग्रेसी इस करके जो कमलनाथ बचता है ये सारा जो कतलेआम है ये राजीव गांधी के इशारे से होया कमलनाथ जो सीनियर उत्थे दा इन्हां दा सीनियर लीडर से इंदिरा गांधी का राइट हैंड सी है कमलनाथ इहनूं सी कि मेरी मां मर गई तो असीं सिखां तों बदला लैणा इन्होंने सिखां तों बदला लिया तो उत्थे 10,000 सिखां दा कतलेआम करवाया अज्ज 39 साल हो गए ने। राजा वड़िंग कहिंदे आ वी जिहड़ी तुसीं संजय सूरी की गल कर रहे हो संजय सूरी हर पत्रकार जां जिहड़ा भी बंदा रिपोर्ट लिखदा उहने जो देखिया हुंदा उहदे हिसाब नाल लिख दिंदा किसी दे कहिण दे नाल कोई बंदा जिहड़ा उह दोषी नहीं हो जांदा जिहड़ा जर्नलिस्ट हुंदा पत्रकार उह कदी भी झूठ नहीं बोलदा उह पत्रकार तां निडरता नाल हुंदी है ये किसी का पख नहीं पुरते पत्रकार ने सही अपनी कलम चलानी है। संजय सूरी जिहड़ा ना इंडियन एक्सप्रैस एक बहुत वड्डी अखबार हैगा चैनल हैगा इंडिया का हैगा संजय सूरी क्यों झूठ बोलेगा उन्हें कतलेआम करा ये तो पूछे इनू तुहाड़ी मां इंदिरा गांधी ने जिहड़ी तुहाड़ी है जिहदा तुसीं पक्ष पूरिया अपना तू राजा वड़िंग पहला तो दरबार साहब अटैक कराया इंदिरा गांधी ने साडा अकाल तख्त साहब टैटेरी कराया श्री हरिमंदर साहब तो गोलियां चलाईयां गईयां साडे गुरु ग्रंथ साहब तो पावन सरूपा गोलियां मारियां गईयां दिल्ली के सैकड़े गुरुद्वारा उन्होंने अगे लाई गई उत्थे साढ़े गुरु ग्रंथ साहबां दे पाड़ के पत्र रोला गया सानू इंसाफ कौन देगा 39 साल हो गए ने सानू हुण तुसीं मंग की कर रहे हो साडी मंग ये हैगी है पहला तो कि जिहड़े 1984 के कातल ने मोदी साहब नूं बेनती है साडी अमित शाह जी मोदी साहब तुसीं साडा वादा कीता सी अमित शाह जी जे साडी सरकार बनी तो असीं SIT बना के इन्हां नूं 6 महीने फायर टंगांगे तुसीं ना तो इन्हां नूं फायर टंगिया ना इन्हों के खिलाफ कोई जिदा कार्रवाई एक बड़ा मगर मास जो है सज्जन कुमार वो लिखे आया उन्होंने उम्र कैद हुई वो खिलाफ चार केस सन दो एक 302 बरी करता एक रात एक केस में होर बरी हो गया तो जे CBI सही जी यदि पैरवी नहीं करेगी तुम वे वकील खड़े नहीं करोगे ये दरिंदे सारे बाहर आएंगे। देखो मेरी गल सुनो ये जड़े कतलेआम होया कि 10-20-50 बंद ने किया ये सैकड़े ही जड़े ने अपने कांग्रेसी शामिल ने देखो एदा त्रुट राजा वड़िंग तो की मांग कर रहे हो राजा वड़िंग माफ़ी मंगे सिख कौम तो माफ़ी मंगे अकाल तख्त साहब तों आके कि मैं बज्जर गुनाह किया मैं बज्जर गलती की है कि जिहड़ा मैं झूठ बोलिया उन्हें छिंदौड़ा जाके नहीं इन्हें कुछ दे देना ने राहुल गांधी नूं और कोई शर्म करो सिखो और बड़ी मार पई सिखां नूं बड़ा जुल्म होए ने इस तरह ना करो सिखां नाल गदारी ना करो कौम दे नाल
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਗਦਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ 84 ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ 84 ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 84 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।